हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नए वीडियो में दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो जिसे थंबनेल में आपने देखा ही है न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी हाँ मैं बहुत दिनों के बाद न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है तो कुछ चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं मिल जाता है, लेकिन अभी जैसे गाइडेंस आया है तो इसलिए वीडियो ये बना रही हूँ। न्यूमरोलॉजी या फिर अंक शास्त्र हमें पता ही है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार काम करती है, यानी जैसे ज्योतिष में पत्रिका सेंट्रलाइज्ड होती है और उसके बेस पे सब होता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ हमेशा चलती रहती है और बहुत कुछ, यानी सारी चीज़ें हमें उन नंबर्स के बारे में, हमारे बारे में नंबर्स ही हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, या फिर क्या चीज़ है जो हमें अभी परेशान कर रही है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर अभी जो भी सिचुएशन है उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ का, हमारे खुद के नंबर्स का कितना सहभाग है, ये सारी चीज़ें हमें उनसे ही पता चलती है। और डेट ऑफ बर्थ ऐसी चीज़ है जो हम कभी बदल नहीं सकते हैं, यानी जिस टाइम हम लोग पैदा हुए हैं उसी टाइम की वो डेट ऑफ बर्थ कंसिडर होती है, वो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, क्यों जो कि एक परमानेंट कॉम्बिनेशन है डेट ऑफ बर्थ, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, जैसे पत्रिका है और हर जगह पे हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, कई जगह पे हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। और इसी डेट ऑफ बर्थ से हमारे सारे नंबर्स भी हमें पता चलते हैं, जैसे मूलांक और भाग्यांक, ये दो सबसे महत्वपूर्ण नंबर्स होते हैं, एक और भी आता है लेकिन ये दो नंबर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इन दो नंबर्स के बेसिस पे ही हमारे लिए क्या अच्छा है, यानी कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है, कलर अच्छा है, कौन सी दिशा हमारे लिए सही रहेगी, हमारे लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, या फिर हमारे लिए कौन सा पार्टनर अच्छा रहेगा, कौन से नंबर का पार्टनर हमारे लिए अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो इसी को लेके मैं आज आपको कुछ नया बताने वाली हूँ, क्योंकि नया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जब भी मैं सजेस्ट करती हूँ या फिर बताती हूँ तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो इसीलिए इस पर ये वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना है। इसी नाम का मेरा इंस्टा और फेसबुक है, अकाउंट मैंने लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा परमानेंट कॉम्बिनेशन है, यानी हम लोग हमारी मर्ज़ी के हिसाब से उसे चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमारे बर्थ के साथ में वो आया है वैसा ही रहता है। इसके बाद में दूसरा इम्पॉर्टेंट परमानेंट कॉम्बिनेशन आता है हमारा नाम, जो नामकरण हमारा किया जाता है और जो बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ में होता है। और इन सारी चीज़ों में हमें अभी याद भी नहीं रहता कि हम लोग कितनी जगह पे कितनी बार हमारा नाम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की चीज़ ये है कि हमें से कितने लोग ये सोचते हैं कि क्या हमारा नाम हमारे लिए सही है, भले उसका अर्थ कितना भी सुंदर है कितना भी वो अच्छा है, लेकिन क्या उस नाम की जो फ्रिक्वेंसी बन रही है क्या वो फ्रिक्वेंसी हमारी जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर से उनके साथ में मैच करती है, कॉम्पैटिबल है। इसीलिए ये सबसे पहले चेक किया जाता है, यानी डेट ऑफ बर्थ के बाद में दूसरा परमानेंट कॉम्बिनेशन आता है हमारा नाम, क्योंकि वो हम हर जगह पे यूज़ करते रहते हैं। और अगर वो हमारे फ्रेंडली नंबर्स पे नहीं आता है, ये फर्स्ट सिनेरियो है जहाँ पे फ्रेंडली नंबर पे नहीं आ रहा। दूसरा सिनेरियो ये है कि ऐसे नंबर्स पे आ रहा है जो नंबर्स हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं नेम नंबर के लिए, जैसे कुछ नंबर्स आपको स्ट्रगल्स देंगे, आपको डिलेज कराएंगे, वेट कराएंगे, या फिर बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट्स देंगे, इंसल्ट देंगे, आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत होती है क्या आपका नाम फ्रेंडली नंबर्स पे है, और इसके लिए आपके मूलांक और भाग्यांक को हम लोग बेस पकड़ के ये चीज़ देखते हैं। और बहुत बार देखा जाता है कि हमारा नाम हमारे फ्रेंडली नंबर्स पे नहीं होता और इस रीज़न से हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं।
अब जैसे डेट ऑफ बर्थ के बाद में मैंने बोला हमारा नाम परमानेंट कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन है कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारा जो नाम है, जो भी स्पेलिंग हम लोग लिख रहे हैं उस स्पेलिंग्स में करेक्शन करके हमारे जो फ्रेंडली नंबर से उस पर हमारा नाम ला सकते हैं, और हमें जो फ्रेंडली है, कॉम्पैटिबल है, वैसे वाली एनर्जी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। और जैसे हर चीज़ यूनिवर्स में एनर्जी है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसीलिए हमें जब भी हम लोग नेम करेक्शन करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि क्या ये करने से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है जब मैंने मेरा नाम करेक्ट किया था, क्योंकि जैसे ही हम लोग नेम करेक्ट कर लेते हैं उस टाइम हमारे नाम से जो वाइब्रेशंस बन रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बन रही है, वो चेंज हो जाती है, इसीलिए हमें फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है, सच में फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, आप खुद वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम करेक्शन यानी सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं कंसिडर किया जाता, आप जैसे भी अपना नाम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, या फिर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। कुछ लोगों के लिए सरनेम हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को कंफर्टेबल होता है तो सरनेम यूज़ नहीं करते, कुछ लोग फर्स्ट नेम मिडल नेम यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फर्स्ट नेम ही यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों को चाहिए उसके हिसाब से करेक्शन करके हम लोग देते हैं, और डेफिनेटली इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम आपको अलग दिखते हैं, उनका स्पेलिंग अलग दिखता है। ये रीज़न यही होता है कि हम लोग हमारे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा नाम करेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने नेम करेक्शन के बारे में जानना है, अपना नेम करेक्ट जानना है कि भाई आपका नाम अगर फ्रेंडली आता है या नहीं आता है, या फिर करेक्ट करना है, तो तभी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी और भी कोई सर्विसेज आप लोग अगर लेना चाहते हैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल, तो ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज, इंस्टा को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करना है। तमसोमा ज्योतिर्गम्यम, धन्यवाद।